हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पूरी दुनिया में इस समय नस्लवाद को खत्म करने के लिए आंदोलन जारी है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने भी टेस्ट मैच से पहले घुटनों के बल बैठकर आंदोलन का समर्थन किया। वहीं अपने जमाने के दिग्गज तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग नस्लवाद अपने माता पिता के साथ हुए नस्ल व्यवहार पर बात करते हुए आंसू नहीं रोक पाए। होल्डिंग ने इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच में कहा था कि नस्लवाद पर संपूर्ण मानव जाति को शिक्षित नहीं किया गया तो ये जारी रहेगा। वहीं दूसरे दिन इस विषय पर बात करते हुए वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा, ये भावनात्मक पक्ष तब सामने आया जब मैंने अपने माता पिता के बारे में सोचना शुरू किया और मैं फिर से भावुक हो रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे माता पिता किस दौर से गुजरे हैं। मेरे माँ के परिवार ने उनसे इसलिए बात करना बंद कर दिया था क्योंकि उनके पति बहुत गहरे रंग के थे। उन्होंने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि वो किस दौर से गुजरे हैं और वो बात तुरंत ही मेरे जहन में आ गई। मैं जानता हूँ कि ये धीमी प्रक्रिया है, लेकिन भले ही ये छोटा कदम हो, भले ही ये बेहद धीमी से गति के आगे बढ़ रहा हो, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सही दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। तो आपको बता दें कि अमेरिका में अफ्रीकी मूल के नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड के एक श्वेत पुलिस अधिकारी के हाथों मौत के बाद से ही दुनिया भर में ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान चल रहा है।